হ্যালো, গুড মর্নিং। আজ দুসরা টপিক পড়েঙ্গে, ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ। ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ, ইহা পর দেখো কি ইয়ে ক্যা হ্যায়, সোর্স চার্জ হ্যায় কিউ পয়েন্ট ও পর, আর ইসকে কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ড বনেগা। আব এস ইলেকট্রিক ফিল্ড মে एक्स डिस्टेंस पर सपोज करो कि कोई पॉइंट पी है जहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया गया है। अब और इसको मेनली तो लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से, लेकिन एक सपोज करते हैं कि पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया गया एक्स डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर प्लेस किया गया तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि लेट Q be the source charge and a point P in the electric field at a distance x from point O. Let a unit positive charge placed at point P. Now force acting on point P is. Kedana Coulomb force F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q into 1 by x square. Q1 Q2 hota hai, to Q into 1 unit positive charge. बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इफ द यूनिट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज देन वर्क डन इज गिवन बाय। अब इसमें देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड। अब हमको क्या करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करना है टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। सपोज कि उसको हम एक्स डी एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करेंगे तो स्मॉल वर्क डन आएगा कितना, तो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, एफ डी एक्स डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डी एक्स, तो एफ डॉट डी एक्स क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री। सिंस यहाँ पर क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसलिए यहाँ पर 180 हो जाएगा, कॉस 180, या कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस एफ डी एक्स, तो माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जो फोर्स निकाले हम यहाँ पर इसका यूज कर देंगे। अब ये आ गया, अब निकालना क्या है हमको मेनली, ये एक स्मॉल वर्क डन निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन हमको इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो नाउ टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, दैट इज एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू एक्स इक्वल्स टू आर। देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, क्या हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, यानी जस्ट इक्वेशन सेकेंड का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो कॉन्स्टेंट है उसको कॉमन ले लो, तो माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम ऊपर लेंगे तो क्या होगा, माइनस पावर आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करो तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन क्या होगा उसका, एक्स पर पावर माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, अब आई माइनस टू प्लस वन, तो इन्फिनिटी टू आर। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई एक्स, और इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस लोअर लिमिट, तो वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, सिंस वन बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू बाय आर। तो ये जो है वर्क डन। और डिफिनेशन में क्या पर है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो वह जो वर्क डन होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट बाय द डिफिनेशन दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय वी। तो दैट इज वी इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाय आर। ये जो है यही हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 9 cm फ्रॉम ए चार्ज 4×10⁻¹ कूलम। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या पर है कि वी इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर। तो 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना 9×10⁻¹ इंटू क्यू का वैल्यू। तो चार्ज जो दिया है 4×10⁻¹ और आर 9 cm तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 9×10⁻²। तो ये 9 से 9 कैंसिल और ये 10⁻¹, 10⁻+¹ कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। यानी कि 400 वोल्ट हम यहाँ पर फाइंड कर लिए। चलिए एक बार